हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक शानदार ट्रिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघाती समीकरण हिंदी में जिसे कहते हैं, इससे आप बहुत ही पहले से फैमिलियर हो, क्लास 9th का स्टूडेंट इससे फैमिलियर हो जाता है। लेकिन इसका शॉर्टकट अगर आपको नहीं आता तो कई बार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कई बार तो आपको इसका सवाल छोड़ना भी पड़ता है। बहरहाल, जहाँ पर भी बेसिक मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है तो इस तरह का सवाल आपसे वहाँ पे पूछा जाता है, चाहे वो आपका SSC हो, कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, MBA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, MCA का हो या कोई और। जहाँ पे भी बेसिक मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में है, इस तरह का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी लगातार बनी रहती है। तो आज के वीडियो में हम 4-5 सवालों पर आपको जब प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद आप खुद इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हार्डली 5 सेकेंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पेन कहीं चलाना पड़ेगा, दवाई हो सकता है आपको पेन भी ना चलाना पड़े अगर आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो आप लोग चूंकि फैमिलियर तो पहले से ही हैं, आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि यहाँ पे एक्स की पावर होती है 2। ओके, इसको हम इसीलिए हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं। करना क्या होता है इसमें, हमें सबसे पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी ट्रिक पर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो b है उसका साइन क्या है। अब आपकी जो आइडियल फॉर्म होती है इस इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c। यहाँ पे आपका b का कोई साइन प्लस माइनस का हो सकता है और यहाँ पे c का भी कोई साइन प्लस माइनस का हो सकता है। इस तरह के साइन चेंजेस होंगे, a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, a की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे a के बदले 9 भी हो सकता है, 7 भी, कुछ भी नंबर हो सकता है, XYZ या फिर 1 होगा। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आगे हमारे एग्जाम्पल्स में भी। सबसे पहले हमने यहाँ करना क्या होता है, चेक साइंस ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के जो साइन है उनको हमने चेक करना है। जैसे यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे 11, तो 11 का साइन क्या है, माइनस का। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, सी क्या है, 5, और 5 का साइन क्या है, प्लस। तो इन साइन को हमने चेक करना है। साथ ही साथ हमने चेक करना दूसरा जो हमारा पॉइंट है, चेक कॉफिशेंट ऑफ X², तो X² के साथ यहाँ कॉफिशेंट लगा है हमारे एग्जाम्पल में 9, कहीं पर 1 हो सकता है, कहीं पर कुछ और भी हो सकता है। अब देखिए, दो पॉइंट पर और हमें ध्यान देना है। जैसे ही हमें पता चले कि साइन बी का पॉजिटिव है, अगर बी का साइन पॉजिटिव मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है 26 हमारा पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, बी के नीचे जो साइन लगा है उसी के जस्ट नीचे साइन चेंज कर देंगे, साथ ही साथ सी का भी साइन चेंज कर देंगे। अगर बी का पॉजिटिव है तो ये दोनों साइन चेंज करके हम नीचे लिख देंगे। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप भी होता है, अगर ऐसा नहीं है तो बी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। दो ही प्रोबेबिलिटी है, तो जब नेगेटिव बी का साइन होगा तो सिर्फ और सिर्फ बी का ही साइन चेंज करेंगे, सी का जो भी साइन है एज इट इज वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे। क्लियर है? तो बस इतना सा काम करना है। चलिए, अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवालों पे, और उसके बाद आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इस ट्रिक से आप फटाफट आंसर दे सकते हो, जो आपके अगर रूट्स पूछ ले वो, तब भी एक्स की वैल्यू या रूट्स बात एक ही हो जाती है, और अगर वो आपका फैक्टराइजेशन पूछता है तब भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए, पहली प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया स्क्रीन पे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ। ओके, लेकिन पहले ट्रिक आप सीख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का साइन चेक करेंगे। बी का साइन क्या है भाई, यहाँ पे बी का साइन है प्लस का। तो बी का साइन प्लस होते ही हम क्या करते हैं, बी और सी का चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा होता है कि एक्स का कोफिशियंट चेक करना है। एक्स का कोफिशियंट क्या है, 1 है। तो एक्स का कोफिशियंट जो भी आए, यहाँ पे 1 है तो 1 को 168 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 168। ओके, इसका मतलब 168 को ही हमने फैक्टराइज करना है, किसी और नंबर को फैक्टराइज नहीं करना, लेकिन फैक्टराइज रीजन से करना। अब आप सी के साइन पे वापस आइए, सी का साइन है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये 168 के जो भी फैक्टर्स हमें मिलेंगे वो इस तरह से होने चाहिए कि उनका एडिशन क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। उनका एडिशन 26 होना चाहिए, कान खोल कर सुन लीजिए, उनका एडिशन 26 होना ही चाहिए। ओके, अब एडिशन कैसे लाएंगे भाई, दोनों तरफ से माइनस के साइन आ चुके हैं, ये हमारे माइनस के साइन आ गए, तो हम क्या करेंगे, देखिए 26 को आप तोड़ने की कोशिश करिए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो इसको फैक्टर आप करके देख लीजिए ऐसे करके, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास 26 का फैक्टर करना है, वो सॉरी 26 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका एडिशन हो जाए मिलाकर के 26, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो 168 हो। क्लियर है? तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे दिमाग पर, यहाँ पे फैक्टराइज करके देखेंगे इसको, तो 14 हमें एक फैक्टर मिलेगा और दूसरा फैक्टर मिलेगा हमें क्या,
12, जिनका एडिशन कितना हो जाएगा 26, ओके, उनको ऐड करने पे हमें 26 मिल रहा है। बस यही हमारा आंसर है, रूट्स मिल गए हमें, एक्स की वैल्यू कह लीजिए आप उसको, या रूट्स कह लीजिए, ओके। अगर अब हमें कुछ और निकालना है, अब देखिए यहाँ से हम एक स्टेप अलग अभी मिस कर रहे हैं, वो स्टेप ये होता है कि यहाँ पे जो भी एक्स का फैक्टर है, एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कोफिशियंट है उसका, उससे इसको डिवाइड करना, चूंकि लेकिन यहाँ पे 1 दिया है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर बात करो कि भाई हमें इसका वो बताइए, फैक्टर्स फैक्टराइज करने के लिए कहेगा, तो ये तो हम ज़्यादा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा पहले का स्टेप बताइए। तो आप देखिए खुद, अगर माइनस की 14 हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आई होगी, एक पहले ब्रैकेट में आई होगी ये एक्स प्लस 14, और दूसरा ब्रैकेट हमारा कुछ रीजन से आया होगा एक्स प्लस 12। ये हो गए फैक्टर्स दोनों इसके, और वैल्यूज़ एक्स की दो आई हैं, एक ये और एक ये। इसके अलावा आपको आई थिंक कुछ और इसमें निकालने के लिए कभी आता नहीं है। अगर आपसे फैक्टर्स का एडिशन पूछ ले, सॉरी रूट्स का एडिशन पूछ ले, रूट्स का मल्टीप्लीकेशन कर पूछ ले, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रूट्स आपके पास आ चुके हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और चूंकि सारे रूल्स हमने समझा दिए, इसलिए हम फटाफट इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं, बी का साइन क्या है, प्लस का है भाई, जो प्लस का है तो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए, यहाँ पे दोनों साइन चेंज करने होते हैं हमें ऐसे केस में। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखना है कि एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ, 1 लगा हुआ, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ जाएगा। तो इस 15 को, 15 को हमने कुछ इस ढंग से फैक्टराइज करना है कि जो फैक्टर्स मिले हमें उनका एडिशन, क्यों एडिशन, चूँकि यहाँ पे 15 के पहले साइन प्लस का आ रहा है, तो उन फैक्टर्स का एडिशन मिला करके हो जाए कितना, 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे मिलेगा भाई हमें 8, यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस 3। एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग थी अभी तक, वो ये जो फैक्टर्स हम मिलते हैं उनमें से बड़ा वाला पहले रखेंगे, छोटा वाला बाद में रखेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों रूट्स हमें मिल चुके हैं, क्योंकि अगर आप 1 से डिवाइड भी करोगे तब भी आंसर आपका यही आने वाला है, इसलिए 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको मिल चुका है। एक आपका रूट आएगा माइनस 5, दूसरा रूट आपका आएगा माइनस का 3। फैक्टर्स की बात बात कर लीजिए कि भाई इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो माइनस 5 हमें कहाँ से मिला होगा, एक्स प्लस 5 से मिला होगा, तो पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 मिलेगा, क्योंकि हमारा दूसरा जो रूट आया था वो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 आया था, ओके, एक्स की वैल्यू माइनस 3 आई थी। तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स भी हो गए इस इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर हमें माइनस वाला मिला है, तो माइनस वाले को भी देख लेते हैं कैसे टैकल करेंगे। तो आप देख रहे हैं साइन बी का माइनस है, ओके, ये माइनस होगा तो सिर्फ बी का ही साइन चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। सी का जो भी है साइन, यहाँ पे क्या है, प्लस का ही लिखा रहने दीजिए। एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या है, एक्स का कोफिशियंट कुछ भी नहीं, 1 है मतलब, तो 12 को ही हम फैक्टराइज करेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, अब 12 के फैक्टर्स, 12 के पहले प्लस का साइन है, तो 12 के फैक्टर्स दो हमें ढूंढने हैं जिनका एडिशन 7 हो जाए, माइनस का 7 हो जाए, ओके। तो चलिए ढूंढते हैं, 4 और 3 दो फैक्टर्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, 4 और 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 4, यहाँ पे लिख दीजिए 3, ओके। और ये जो है आपके प्लस का 4 और प्लस का 3, यही हमारे रूट्स हो जाएंगे, यही एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। चूंकि अगला स्टेप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स के साथ जो कोफिशियंट है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आंसर हमारा यहीं पर आ जाता है। इसके फैक्टर्स आप समझ सकते हैं क्या रहे होंगे, अगर कहीं पे हमें एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 मिल रहा है प्लस का, इसका मतलब एक्स माइनस 4 हमें पहले ब्रैकेट में मिला होगा और एक्स माइनस 3 हमें दूसरे ब्रैकेट में मिला होगा, दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद एक आध सवाल हम और करेंगे, बाद में एक दो प्रॉब्लम आपको देंगे, देखते हैं हमें कौन फटाफट आंसर करके हमें सबसे पहले आंसर देता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हमें दिया है और उसको हमने फैक्टराइज करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि रूट्स बताने हैं इसके। तो सबसे पहले हमें बी का साइन चेक करना होता है, बी का साइन क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अब देखना हमें कि करना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है साइन चेंज कर दो, जब पॉजिटिव आता तो ये भी साइन माइनस का कर दिया, ये भी साइन माइनस का कर दिया हमने, ओके, दोनों जगह हमने माइनस लगा दिए, ओके, क्लियर। आगे देखिए, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि चेंज करने से साइन, ठीक है, ओके। अब एक्स का कोफिशियंट देखिए 15 इधर है हमारे पास, एक्स के पास कोफिशियंट सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब 15 को ही हमने फैक्टराइज फिर से करना होगा, तो कौन से ऐसे दो फैक्टर मिलेंगे जिनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 15 बनेगा, तो यहाँ पर 5 और 3 मिलेंगे,
जिनका कि डिफरेंस, देखिए इस बार माइनस का साइन है सी के पहले, 15 के पहले माइनस का साइन है, तो हमें चाहिए क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, 2 कैसे होगा भाई। यहाँ पे आप रखिए बड़ा फैक्टर पहले और यहाँ पे रखिए छोटा फैक्टर, ओके, डिफरेंस आ गया 2, ओके। तो इस ढंग से हमारा ये आंसर्स हो गए हमारे, चूँकि अब 1 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। और अगर हम बात करें फैक्टर्स, इनकी फैक्टराइज करने की, तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स एक्स प्लस 5 मिलेगा, तभी हमें यहाँ पर माइनस 5 मिला है, और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्स माइनस 3, ओके। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स का कोफिशियंट 1 है। हम अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट 2 है, तो हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बी का साइन चेक करेंगे। बी का साइन है क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन जरूर चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। कोफिशियंट देखिए एक्स का क्या है, तो कोफिशियंट है 2, 2, और इधर क्या है 25, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 मिलेगा। 50 को अब हमने फैक्टराइज करना होगा, 25 के बदले 50 को फैक्टराइज करना होगा, और 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन, एडिशन क्यों, क्योंकि 25 के पहले प्लस का साइन है, तो एडिशन चाहिए किसका, दोनों फैक्टर्स जो हमें मिलेंगे 50 के, उनका एडिशन 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 15 कैसे होगा भाई, तो 10 और 5 ले लेते हैं, 10 5 50 बना लेंगे, ओके। तो आंसर तो हमें मिल चुका है, एक्स की वैल्यूज़ दोनों हमें मिल चुकी हैं जो आने वाली थी, यानी कि रूट्स हमें मिल चुके हैं। अब हमारे पास बचता है क्या, नहीं अभी नहीं, अभी हमने 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, ओके। तो अब मिलेंगे आपको रूट्स, तो ये मिल गए रूट्स आपको -5 और -5/2। अब इसके फैक्टर्स की बात कर लो, तो -5 हमें कहाँ से मिला होगा भाई, तो 2x+5 से मिलेगा, किस से, 2x+5। तो पहले ब्रैकेट में मिलेगा हमें 2x+5 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा हमें 2x, सॉरी जस्ट x+5, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x+5, ओके। तो ये दोनों फैक्टर्स भी हमें यहाँ मिल चुके हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जो कि हम रखेंगे आपके लिए, आपने इसका आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या है, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है 1 के बदले, ओके। तो ये दो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 7 का आंसर आपने करना है, ओके। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट हालांकि बदला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर लेते हैं। फिर से साइन देखिए क्या है, बी का साइन माइनस है, तो माइनस है, तो भाई हमें साइन चेंज तो बी का करना पड़ेगा सिर्फ, तो बी का साइन चेंज कर देते हैं, और सी को एज इट इज रखा रहने देते हैं, सी का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 60। 60 को अब हमें फैक्टराइज करना है, 60 के 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 28 हो जाए, तो हम लिखेंगे 30 और 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 28, और इन दोनों का मल्टीप्लीसन क्या है, 60, ओके। लेकिन यहाँ पे 12 है, तो हमें आंसर अभी नहीं मिला, 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो हमें ये मिल जाएगा आपका 5 बाई 12 यहाँ से, और यहाँ से हमें मिलेगा -1/6। ये दोनों रूट्स हैं एक्स के, यानी कि इस इक्वेशन के, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब आप अगर बात करें कि भाई फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, तो फैक्टर्स आप निकाल लो यहाँ से, 2x -5 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 6x+1, ओके। तो दोनों फैक्टर्स भी आपको मिल चुके हैं, जिन से आपने विदाउट कॉपी विदाउट पेन तकरीबन तकरीबन आंसर करने सीख लिए हैं। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे इन सवालों पर जो हमने दिए हैं, ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे BSW की, तो BSW का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, MSW की, तो MSW का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। इसके अलावा अगर आप और किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, इवन क्लास 9 की तैयारी करें, तो उसका ग्रुप अलग है, तो वहाँ पे भी हम PDF शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम भूल जाएँ तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले ही सकते हैं, वहाँ पर भी आप जुड़िए। साथ ही साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है हर एक वीडियो को बनाने में, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए हमें मोटिवेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। सब चीज़ें फ्री हैं यहाँ पे, आपका किसी ढंग का कोई चार्ज नहीं लगने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सो मच।